नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। एक व्यक्ति को महज इसलिए मौत की घाट उतार दिया गया कि उसने अपने घर के वहां शराब पीकर हंगामा कर रहे लोगों को वहां हल्ला करने के लिए मना कर दिया था। इस बात से नाराज शराबी लड़कों ने दे डाला बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम। नई दिल्ली के बदरपुर इलाके में युवक मानिक चंद की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज लोगों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। हालांकि इलाके में मंगलवार से ही तनाव का माहौल था। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को भी युवक के शव को रखकर चक्का जाम व प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ की और स्कूटी समेत 5 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पत्थरबाजी भी की, इसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कुछ लोगों ने झगड़े को सांप्रदायिक रंग दे दिया, जिसके चलते दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। बुधवार देर रात तक इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। गौरतलब है कि बदरपुर के ताजपुर पहाड़ी इलाके में घर के बाहर शराब पीकर हल्ला करने से मना करने पर सोमवार देर रात कांचपुरी पहाड़ी निवासी मानक सिंह की कादीम व उसके 3 साथियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बदरपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी कादीम को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि कादीम के साथ 3 और आरोपी हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। परिजनों व स्थानीय लोगों ने मानिक चंद के शव को जैतपुर मोड़ मथुरा रोड पर रखकर प्रदर्शन व चक्का जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी मौके से चले गए थे। नीचे कमरे से आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने उससे कहा, देखो बेटा कहाँ से आवाज आ रही है। तो इसने देखा, निकल के गेट खोला तो नीचे 2 बंदे थे पकड़ रखा, एक फुरकान एक अलीजान। कदीम ने चाकू बोगा 3 बार मार मार के ऐसे करके। जब मैं चिल्लाई, मैं छुटाने को चाहिए तो मुझे भी बोला फाड़ दूंगा मैं। धक्का दिया, मैं भगी पीछे बचाने के लिए भगाई, नहीं मुझे धक्का देकर बच गए। मुझे पुलिस वाले 8 घंटे बाद आए पुलिस वाले। मैंने कॉल करी 100 नंबर पे, कॉल करते करते थक गई। थाने फिर भगाया मैंने, फिर बच्चे थाने भग के गया। थाने वाले भी देर में ही आए। जब मेरे बच्चे ने फ़ोन करा, तुम अंकल जी कब आओगे, जब मर ही जाएगा, कह रहे बोल मर जाएगा जब आऊँगा। तुम बताओ कि मर जाए जब आऊँगा कि मर जाने से पहले आऊँ। मेरे बच्चे को ये जवाब दिया। अब बताओ इससे जब फोन के किस लिए होती 100 नंबर किस लिए होती, कहते एम्बुलेंस मांगो, ढंग से मदद मांगो, ये बोला। कदीम के पीछे भागा। वो कदीम बहुत दूर निकल चुका था, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं नहाते में कच्चे में ही भागा उसके पीछे में, कदीम के पीछे, मतलब कि भाग चुका था वो। तो इनकी भाई खत्म हो तो हमें भी दुख है। सब जब खतरा सबके लिए है, पब्लिक के लिए। तो हम लोग आगे कुछ बोलते तो हमारे आगे को धमकी देते। एसपी साहब ने, एसपी साहब ये कहते हैं तुम ज़्यादा बोलती हो, फालतू बोलती हो, तुम बकवास करती हो, जनता को भड़काती हो और नेतागिरी छाड़ते हो। तुम्हें प्रधानमंत्री बनाए रखा है, तुम्हें ही बंद कराना है। इस वजह तो हमें कल 2-3 घंटा हमें भी बंद रखा था, हमारी सहेली को भी बंद कर रखा था। बुधवार की सुबह मानिक चंद के परिजन और स्थानीय लोग शव को लेकर बदरपुर थाने की तरफ जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें जैतपुर मोड़ पर बारात घर के पास रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने शव को वहीं रखकर प्रदर्शन व नारेबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस दौरान आरोपी कादीम के कुछ समर्थक मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। मौके पर अन्य थानों से पुलिस को बुला लिया गया था। घटना कैसी भी हो, क्षेत्र के कुछ छुटभुए नेता अपनी नेतागिरी करने से बाज नहीं आते हैं। मामले को शांति से निपटाया जा सकता था,
किंतु क्षेत्र के कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की, लेकिन बद्रपुर की जनता काफी समझदार है। फिर भी कुछ लोग नेताओं के कहने में आ गए, जिसकी वजह से बद्रपुर में ये दंगा हुआ। साथ ही हम सभी को मिलजुल कर रहना होगा, इन नेताओं की चाल से बचना होगा। ये नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बद्रपुर में हुए इस दंगे को रोका जा सकता था अगर नेता लोग भीड़ एकत्रित करके भड़काऊ बयानबाजी ना करते। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए जब बदरपुर क्षेत्र के विधायक नारायण दत्त शर्मा वहां पहुंचे, तो बजाय इसके कि वो उस मृतक की ओर ध्यान देते, वो अपने ही प्रचार प्रसार से लोगों से बातचीत करने लग गए। इससे गुस्साए लोग और भी आक्रोश में आ गए और लोगों ने उन्हें मौत पर राजनीति ना करने की बात कहकर वहां से वापस जाने को कह दिया। लाठियां बजाकर खदेड़ा, प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ की, बाइकें फूंक दी और आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। इसके बावजूद बवाल थमा नहीं, भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की करीब आधा दर्जन बसें और 3 क्लस्टर बसों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा मौके पर खड़ी स्कूटी समेत 5 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बवाल 3 से 4 घंटे चला। आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए। आज तुम ये उल्टा काम कर लोगे तो मेरा भाई तो जिंदा होगा नहीं और मैं मेरे परिवार वाले उठे, ठीक है। तो इस लड़के को चाकू मारा, हालत गंभीर है उसकी। तो आप लोगों से निवेदन ये है, हम उसको पकड़ कर ठोक कर कार्रवाई करेंगे। आप लोग ठोक कर दवाई दो, साले को अंदर से बाहर नहीं आने देंगे। उठा करके उसको फांसी चढ़वाओ, पूरी एविडेंस लाएंगे। ये तो होता तरीका। हंगामा शांत होने के बाद मोलड़ बंद स्थित शमशान घाट पर पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस उपायुक्त मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। घटना ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। बद्रपुर थाना प्रभारी की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा होते होते बचा। हालांकि आग अभी बुझी नहीं है, बद्रपुर थाना क्षेत्र में यह मामला कभी भी तूल पकड़ सकता है। प्रशासन को सावधान रहना होगा। पहाड़गंज के किस किस होटल में चल रहा है गैर कानूनी धंधा? सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुए काले कारनामे? जल्द देखिए पहाड़गंज के होटलों का सच दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में। हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश
तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। अब वक्त हो चला है सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरों का, तो देखिए बड़े ध्यान से सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरें। रोहतक रोड के निकट स्थित भारत नगर कॉलोनी में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देख कॉलोनी वासियों ने पुलिस को सूचित किया। पार्षद की माने तो वो सुबह सैर करके आ रहे थे, तब शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस इसे हत्या का केस मान रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक मामले को सुलझाती है। लोग खड़े थे, उन्होंने मेरे को आवाज़ दी, बताया कि ऐसे ऐसे कोई बॉडी जल रही है। मैंने आकर के देखा, तस्वीर में बॉडी थी। मैंने थाने में फ़ोन किया एसओजी साहब को। अब ये जो है ना 7 बजे पहुँचे, अब कार्रवाई चल रही है। ये घटना मेरे को तो 6:30 बजे बताया जी। शिनाख्त नहीं हुई है इसका, ये भी नहीं पता ये महिला है या पुरुष है। और इसके अफसरों को सूचना दे दी है, तीनों क्राइम मौके पर बुला ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा भाई स्त्री या पुरुष। सर ये क्या प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, ये बाद हत्या जिसपे शव को जलाया गया है या मार के नीपत के गोहाना के गांव बड़ोता में अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही महिला के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करते थे और उन्होंने उसका गला दबाने के बाद उसको सूली पर चढ़ा दिया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल महिला की मौत का रहस्य शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। 2014 में 3 दिसम्बर की शादी थी और इनके शुरू से दहेज की डिमांड थी, तो बीच में एक बार लड़ाई झगड़ा भी किया था इन्होंने, फिर आपस में निपट गया था। तो उसके बाद इन्होंने आज पहले रस्सी के साथ इसका गला दबाया, फिर फांसी लटका दी। सोनिया नाम की लेडी ने फांसी लगा ली है गांव बड़ोता में, और अभी मौके पे आए हैं, एफएसएल टीम बुलाई है, जांच कर रहे हैं, जैसे भी मुनासिब कार्रवाई करेंगे। सर शादी शुदी कहाँ पहले हुई थी? ये 10 महीने पहले शादी हुई थी इसकी। मुकेश नाम का लड़का था, गाँव बड़ोता का ही, उसके शादी हुई थी। तो अभी कारणों का पता लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे भी कार्रवाई हासिल होगी वैसी करेंगे। रायबरेली में रिश्तों को तार तार करते हुए एक चाचा ने अपने सगे भतीजे को जमीन के लालच में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या में उसके साथ 2 लोग और शामिल थे। यही नहीं, मामले को दूसरा रंग देने के लिए मृतक के घर पर बकायदा फोन कर 6 लाख की फिरौती भी मांगी गयी। पीड़ित परिजनों ने इस बात की जानकारी जब पुलिस को दी, तब हरकत में आई पुलिस ने पड़ताल कर पूरे मामले का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक की माने तो हत्यारोपी शिव संपत पूरे परिवार की जमीन पर कब्जा किए हुए था। मृतक के पिता शिव पलटन ने जब अपने हिस्से की जमीन मांगी तो वो नाराज हो गया और उसने भतीजे को मार कर जमीन हड़पने की योजना बनाई के लिए, और उसके बाद वहाँ स्कूल से निकला तो उसके चचा रिलेशन में, चचा स्वयं सगे चचा लगते हैं, सप्तम नाम है, और उनके उसके चचा के सगे दामाद के सगे भाई विवेक उससे मिले और उसको गुमराह करके ले आए जंगल की तरफ। उसके साथ एक और लड़का विवेक का दोस्त मनीष भी मिल गया, उसको कुछ गुमराह करके प्रलोभन देकर के जंगल की तरफ ले आए, और सप्तम जो है उसका चचा वहीं रुक गया, ये ले जा करके उसको जंगल में बहुत दूर उसके गला ब्रेक बांध वो गला घोंट के मार के कुएं फेंक दिए। गिरफ्तारी भी हो गई है 3 व्यक्तियों के, और जानकारी यह प्राप्त हुई है कि सत्तन ने 2 लाख रुपये पर सौदेबाजी किया था इनको देने के लिए कि मार देकर 2 लाख रुपये अब तुमको देकर 500 रुपया एडवांस भी उसको देना था। तिरसा के गांव नीलमा में गांव के ही कुछ दबंगों ने दलित परिवार से संबंध रखने वाले 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि जाट समुदाय के दर्जन भर लोगों ने दलित समुदाय के 2 युवक संदीप और खेताराम का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने रोहताश की शिकायत पर मामला दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दलित समुदाय के लोगों ने सभी आरोपियों को
तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नागरिक अस्पताल में प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। अब मैं राजस्थान रामपुरिया जा रही थी, रामपुरिया जाके वापसी के दौरान गांव नीमला में नहर के ऊपर इन्होंने गाड़ी रुकाई, बोले भी गाड़ी रोको, में हमने गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक के बोले भी तेने खेतरा माद मजा रहेंगे, तो इतने में उन्होंने भी 15-16 आदमी थे ये लठे डांगों से लेके गंडासी है और है सारा सौदा लेके उनको मारने लगे और हम गाड़ी लेके भाग गए जी। दो जने इन दोनों को उतार लिया और डाणी में ले गए, वहाँ जाके इनको गोली भी मारी है, फायर भी कर। और इनके जो मौके पे गवाह था रोहतास कुमार, उसने जो स्टेटमेंट दी इनकी रजामंदी से, स्टेटमेंट देने के बाद उसके बयान पे 10 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया। हमने कुल 7 राउंड अप किए हैं और पूछताछ जारी। पहाड़गंज के किस किस होटल में चल रहा है गैर कानूनी धंधा? सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुए काले कारनामे। जल्द देखिए पहाड़गंज के होटलों का सच। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। यूपी में जिला सहारनपुर के थाना तीतरो क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 55 वर्षीय जुगलाल नाम का किसान खेत में काम करने गया था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसकी सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले और साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ना गांव में भी 9 बजे करीब ये किसान घर से खाना कुना खा के खेत गया, खेत पे नाइट पे न जाने किस टाइम की घटना है, इसके 3 गोली लगी। सवेरे इसकी घरवाली ने जिसका नाम तारो है देखा जा करके, वो 3 गोली से लग के मूर्छित पड़ा है, लहूलुहान हो रहा था। उत्तराखंड के रुड़की में एक प्रेमी जोड़े की मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल गेस्ट हाउस में आने वाले एक प्रेमी जोड़े को गांव के लोगों ने पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अपनी महिला मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे प्रेमी की भी गांव के लोगों ने जमकर मारपीट की।
गांव के लोगों ने प्रेमी जोड़े की मारपीट का वीडियो भी बनाया। आप देख सकते हैं कि प्रेमी जोड़ा बार बार लोगों से माफी मांगता रहा, लेकिन किसी को भी उन पर दया नहीं आई। इस दौरान कुछ लोगों ने महिला के बाल पकड़कर उससे बदसलूकी भी की। वहीं प्रेमी जोड़े ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस अब वीडियो के आधार पर मामले की जांच में लगी हुई है। नूरपुर उपमंडल में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नूरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को 6 ग्राम हेरोइन और 800 नशे के कैप्सूलों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी महिला की पहचान मैना पत्नी सोहनलाल के रूप में हुई है, जो कि गांव भदरोहा की रहने वाली है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी महिला के पति के खिलाफ भी नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में केस दर्ज है और ये सारा नशा पंजाब से आ रहा है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ छेड़ी गई ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हमने लगातार जो अभियान नशीले पदार्थों और मादक द्रव्य के नियमों के अनुसार चला रखा है, इस अभियान के दौरान हमने काफी सफलता प्राप्त की है और लोगों को पकड़ा है। इसी दौरान हमने एक लेडीज जिसका नाम नैना देवी बाइक और सोनलाल निवासी मधोवा है, उसे पकड़ा है, जिससे 6 ग्राम हीरोइन व 800 कैप्सूल नशीले पकड़े गए हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में जिला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा के फाजलपुर इलाके में एक महिला को सरेआम शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति ने महिला से घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने पहले महिला के साथ मारपीट की और फिर उसे निर्वस्त्र कर गली में घुमाया। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने महिला निर्वस्त्र घुमाने वाली बात से इनकार किया है। मैं कमरे में गई हूँ, उसे समझा दी, वो नहीं समझा, मेरे कपड़े फाड़ दिए उसने, अब मार पिटाई को कर। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े सूरजपुर थाना इलाके में सर्राफा व्यापारी से करीब 100 किलो चांदी लूट के मामले का क्राइम ब्रांच ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही करीब 56 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल सर्विलांस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए इन आरोपियों का सरगना शशिकांत है, जिसने रेकी कर लूट की योजना बनाई थी। इसमें पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 56 किलो 300 ग्राम चांदी, नाजायज असले और घटना में प्रयुक्त गाड़ी। यूपी के जिला वाराणसी में पुलिस वालों की अय्याशी का नंगा नाच देखने को मिला। जब बाबा लाट भैरव के जनवासे के कार्यक्रम में पुलिस वालों ने बार बालाओं पर जमकर नोट लुटाए। सुरक्षा के नाम पर मुंह मोड़ लेने वाली पुलिस ने सुरक्षा के सभी पहलुओं को ताक पर रखकर जमकर नोट उड़ाए। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो जान सकते हैं कि यूपी में सुरक्षा का आलम क्या होगा। पहाड़गंज के किस किस होटल में चल रहा है गैर कानूनी धंधा? सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुए काले कारनामे, जल्द देखिए पहाड़गंज के होटलों का सच दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में। हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर।
जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। न्यूजीलैंड में पढ़ने गई पंजाबी छात्रा की बेरहमी से हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए मृतका छात्रा के पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि इस साल के मई माह में मृतक छात्रा परमीता के पति मनदीप सिंह ने ऑकलैंड के कॉलेज में चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया था। मनदीप को परमीता पर किसी और के साथ प्रेम संबंध होने का शक था, जिस कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। परमीता पंजाब के मलोट जिले की रहने वाली थी, जबकि मनदीप मोगा का रहने वाला है। वॉशिंगटन से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए लियूश की रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग के चलते देवर ने भाभी व खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। देवर भाभी के अवैध संबंध को लेकर गांव में पंचायत भी हो चुकी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रातः महेंद्र तथा उसके पुत्र मिंटू को गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने घर में जाकर देखा, जिस पर सुनील ने ललिता को गोली मारकर खुद को गोली मार रखी है, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घटना स्थल से पुलिस को 2 खोखे तथा 1 तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस को मृतक सुनील की जेब से 1 खोखा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। शामली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मनीष की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मुरद नगर इलाके में सूदखोरों से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। 28 साल का हिमांशु शर्मा यूपी पुलिस में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, जो फिलहाल मेरठ पुलिस लाइन में तैनात था। घटना की छानबीन में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें हिमांशु ने अपनी मौत का जिम्मेदार 4 लोगों को ठहराया है, जिनसे उसने 7.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। सूदखोरों के दबाव में 28 साल के हिमांशु ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए के लिए सूदखोरों ने हिमांशु की माँ से जबरन मकान की रजिस्ट्री का एग्रीमेंट करा लिया था और इसी के आधार पर मकान पर कब्जा करना चाहते थे। गाजियाबाद से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए पंकज ठाकुर की रिपोर्ट। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हाँ, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। आपके आसपास हो रही वारदात को आप अपने कैमरे में कैद कर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650854621। तो अब मैं ब्रजेश चंद्र लेता हूं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।